हेलो गाइस, थिंक एंड डिजाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी और आज मैं लेकर आई हूं इलस्ट्रेटर का क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फाइल को किस तरह सेव किया जाता है, कोई भी इमेज को किस तरह से इलस्ट्रेटर में लाया जाता है, आज मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, अगर सीखना है इलस्ट्रेटर तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना थर्ड क्लास। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इलस्ट्रेटर में एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है जिसमें हम लोग सीखने वाले सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। ये देखो, टूल बार में सबसे ऊपर में आप जो देख रहे हो टूल, ये एक सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल में क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करना, छोटा करना, एक जगह से दूसरे जगह के लेकर जाना, इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। ये चीज फोटोशॉप में भी है। फोटोशॉप में हम लोग मूव टूल के नाम से जानते हैं, वहां पर भी सेम काम करता है, ट्रांसफॉर्म करना, ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना, या फिर एक ऑब्जेक्ट को इधर से उधर लेके जाने में मूव टूल का काम होता है। वहां पर भी मैंने बताया था, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, सबसे ज्यादा यूज करने वाला टूल सिलेक्शन टूल है इलस्ट्रेटर में भी। ठीक है, जैसे कि फोटोशॉप में है सबसे ज्यादा यूज करने वाला टूल मूव टूल, और इलस्ट्रेटर में सबसे ज्यादा यूज करने वाला टूल कौन सा है, सिलेक्शन टूल। ठीक है, उसके बगल में आप देख रहे हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, मैं इसको शेप टूल को लेकर बताती हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा एक शेप मैंने ले लिया। ठीक है, इस शेप टूल में आप देख लो, इसके अंदर में और भी शेप्स है, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, फ्लेयर टूल। ठीक है, सब आज हम लोग सीखेंगे। आज मैं बताऊंगी रेक्टेंगल टूल, एक एक टूल को भी, मतलब एक एक तो शेप को लेके मैं बताऊंगी, आपको समझ में आए, क्योंकि रेक्टेंगल शेप तो आपको ही पता है, एलिप्स टूल भी आपको पता है कि सर्कल को हम लोग एलिप्स टूल बोलते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल को कौन सा बोलते हैं, जो कॉर्नर में थोड़ा सा राउंड होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल टूल को मैं ले रही हूँ, ये इस तरह से ले रही हूँ, और इसमें मैं कलर फिल कर रही हूँ। ठीक है, ये है मेरा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में बता पहले दिखा देती हूँ, ये रहा मेरा सिलेक्शन टूल, एक ऑब्जेक्ट इधर से उधर हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, जूम करती हूँ, आप ये देख रहे हो, जो ये जो राउंड सा शेप देख रहे हो पॉइंट वाला, इसको बोलते हैं बिजियर पॉइंट। ठीक है, बिजियर पॉइंट का क्या काम आता है, बिजियर पॉइंट में अगर आप पकड़ के ड्रैग करोगे, आपका देखो चारों कॉर्नर राउंडेड आ रहा है, राउंडेड शेप में आ रहा है। ठीक है, फिर से अगर आप उस पर क्लिक करोगे, अगर आप चाहो बाहर की तरफ फिर टानिएगा, एज इट इज आपको पहले जैसा शेप हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें यही है कि सिलेक्शन टूल से अगर आप करोगे तो आपका चारों कॉर्नर एक साथ होगा। ठीक है, अगर आप चाहो कि एक तो मतलब इस कॉर्नर को राउंड करना है, इस कॉर्नर को राउंड करना है, ये और ये, आपका कोई राउंडेड शेप नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करेंगे। ठीक है, ये रहा इसको, ये जो मैंने शेप लिया रेक्टेंगल, इसको मैंने कलर कैसे फिल किया, जैसे मैंने इसको ड्रैग किया, मैंने फिर से दिखाती हूँ, ये मैंने ड्रैग किया ऐसे इस तरह करके, ऊपर में देखो प्रॉपर्टी पैनल आपका चेंज हो गया, जैसे मैंने शेप टू लिया ऐसे प्रॉपर्टी पैनल मेरा चेंज हो गया। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं फिल कलर, क्या बोलते हैं इसको, फिल कलर। आपको कलर यहाँ से चेंज करना है, आप इजिली यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने कलर चेंज कर दिया। अगर आप चाहो इसका बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, मतलब स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक के लिए आप कलर चेंज करो, येलो मैं लेती हूँ, एंड स्ट्रोक को मैं बढ़ा देती हूँ, स्ट्रोक मतलब बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर को अगर चाहो आप बॉर्डर रखना, तो आप बॉर्डर भी रख सकते हो, सी ये मेरा बॉर्डर हो गया। ठीक है, आप इसको सिलेक्शन टूल मेरा अभी भी क्लिक है, मतलब काम देखो, मैं शेप टूल जैसे मैंने काम किया इसको मतलब बड़ा छोटा करने के लिए, मैं फिर से मूव की आपका सिलेक्शन टूल में। अब मैं इस टूल को बड़ा छोटा करना है, तो आप इसलिए इस टूल से कर सकते हो सिलेक्शन टूल के हेल्प से। ठीक है, फिलहाल मैं स्ट्रोक को अभी ऑफ करती हूँ, मैं सिर्फ अभी राउंड ये बिना स्ट्रोक का मैं ले रही हूँ से, एंड मैं आप समझाने वाली हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अब मैं क्या करूंगी, ये तो वैसे भी आप अगर चारों कॉर्नर को फिर से ड्रैग करोगे तो आपका ये इस तरह का शेप बनेगा, बन रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये साइज मतलब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मुझे राउंडेड चाहिए। ठीक है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर में राउंडेड नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका सिलेक्ट रहेगा, एंड यहाँ पे आकर इस तरह से आप ड्रैग करोगे बस सिलेक्शन टूल को। देखो, तीनों कॉर्नर में आपका बेजियर पॉइंट नहीं आया, लेकिन इस कॉर्नर में आपका बेजियर पॉइंट आ गया।
मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, जूम मैं किससे कर रही हूँ, ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ एंड माउस का स्क्रॉल अप एंड डाउन कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप अप करोगे तो ये छोटा होगा, डाउन करोगे ये बड़ा होगा, ठीक है। तो जूम करने का शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट माउस का स्क्रॉल अप एंड डाउन, ऑल्ट माउस का स्क्रॉल अप एंड डाउन, ठीक है। और मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, जितना मन आपको ड्रैग कर सकते हो, सी इतना दूर मैंने ड्रैग कर दिया। अब मैं इसको छोटा करके मैं दिखाऊं, सी इस तरह से आपका शेप बन गया। अगर मैं फिर इसी तरह से मैं करूं, इधर का पकड़ के मैं ड्रैग कर दूं, तो इसका शेप इस इट विल लुक लाइक अब लीफ की तरह आपको दिखेगा ये वाला शेप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से शेप को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। शेप टूल से भी बहुत कुछ हम लोग बना सकते हैं, जैसे आइकन हुआ, लोगो हुआ, या छोटा मोटा कार्टून के शेप जो होते हैं आप इससे शेप टूल से बना सकते हो इजिली। मैंने रोबोट बनाया था, आप लोग भी चाहो रोबोट बना सकते हो। अभी नहीं, मैं बताऊंगी कब बनाना होता है, जब आप शेप टूल का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो, और भी टूल्स हैं लाइन टूल ये सब भी अच्छे से जान लो, तब आप एक रोबोट क्रिएट कर सकते हो इलस्ट्रेटर पे। इसलिए शेप टूल से आप बहुत कुछ बना सकते हो, मेरे रोबोट के अलावा भी बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फिलहाल मैं और एक तो बताती हूँ, फिर और भी हम लोग क्या बनाते हैं और भी शेप से। ये मैंने शेप लिया राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, जैसे मैंने बताया ये राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल है। अब ठीक है, अब इसको अगर आपको शेप चेंज करना है अगर थोड़ा बहुत, तो आप इजिली इसको भी कर सकते हो, सी ये फिर आपका लुक लाइक आपका स्क्वायर में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर राउंडेड शेप ले रहे हो फिर भी, अगर आपको एक कॉर्नर आपको राउंडेड चाहिए, दो कॉर्नर राउंडेड चाहिए, बाकी दो कॉर्नर आपको स्क्वायर ये चाहिए, शेप सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, तो इस तरह से शेप को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, तो इसका काम हम लोग इस तरह से करते हैं। ये क्या है, एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या काम करता है, जो भी शेप टूल्स है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग किया, ये मेरा परफेक्ट एक सर्कल आ गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और इस पाथ को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। देखो, इस पाथ मैंने किया तो ये और ये और ये तीन पाथ मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चाहो इसको मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे ये हैंडल है, हैंडल को जिस तरह से आप घुमाओगे उस तरह से आपका ये शेप चेंज होगा, ठीक है। और मैंने इस तरह का मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ये शेप मैंने लिया सर्कल एंड इससे मैंने ड्रैग किया इतना दूर या फिर इतना दूर, तो आपका एक एक हैंडल आया यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे भी मेरा हैंडल आ गया क्लिक करने पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आकर मैं डिलीट बटन दबाती हूँ, ये सर्कल मेरा हाफ सर्कल हो गया, ठीक है। मतलब हाफ हिस्सा मेरा कट गया और हाफ हिस्सा रह गया। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये और क्या है, पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल क्या है, पॉलीगन टूल क्या है, पॉलीगन टूल अगर मैं इस पे आपके इस तरह से ड्रैग करूंगी, इस तरह का पॉलीगन टूल आएगा आपका, लुक इस तरह से आपका पॉलीगन टूल आएगा। तो इस पे अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है आप इसमें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कितना साइड है, 1 2 3 4 5 है, पॉलीगन में 6 साइड है। अगर मैं इससे भी ज्यादा साइड में लेके काम करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टूल पे क्लिक करना है एंड कैनवा पे आके जस्ट क्लिक कर देना, आपका ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखो साइड्स में 6 दिया है, अगर आप चाहो इसको बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। अगर मैं फिलहाल मैं 12 में करूँ, 12 रखूंगी एंड इसको ओके करूंगी, तो इस तरह का शेप मेरा क्रिएट होगा। अब मैं इसके साथ अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ले आती हूँ और इसको मैं अपने हिसाब से फिर से ड्रैग करूँ, तो इसका शेप कैसा बनेगा देखो। अगर एक साइड में अगर शेप बनाना हो तो बाकी आपको वैसे रहेगा, ठीक है। मैं दूसरा एक और लेके भी दिखाती हूँ, इस पे क्लिक किया और कम में दिखाती हूँ, जैसे कि 8 एंड ओके, ये मेरा रहा एंड मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया एंड देन अब मैं ड्रैग कर रही हूँ नीचे की तरफ। ये मैं पूरा का पूरा कर दूँ तो ये मेरा सर्कल हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं फिर से उसको ऊपर में उठाई इस तरह से, तो इस तरह का शेप आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको काम करते हैं, जो भी शेप में आपको चाहिए आप इजिली इस शेप को ले सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे भी ड्रैग करें तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, जैसा भी शेप चाहिए आप वैसा बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो और कौन सा है, स्टार्ट टूल। स्टार्ट टूल क्या काम करता है, स्टार्ट टूल पे हम लोग क्या काम करते हैं, स्टार्ट टूल नॉर्मल, जैसे आप तो स्टार्ट टूल से समझ गए कि स्टार का शेप निकलेगा, ठीक है, हाँ राइट, स्टार का शेप निकला। बट आप इस शेप को शेप के साथ भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कैनवा पे आकर क्लिक करना है, पहले यहाँ पे रहेगा क्लिक, एंड इस पे क्लिक करेंगे, इस पे आके हम लोग क्या करेंगे, साइड को 12 कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ये तरह का मेरा साइड निकला, शेप निकला, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी एंड इस तरह का काम करूंगी। अगर मैं एक ड्रैग पकड़ी और अंदर की तरफ टानी तो मेरा एक ऐसा शेप निकला, ठीक है। दूसरा मैं फिर से लेती हूँ एक ठो सेम, इसको मैं क्लिक करती हूँ एंड इसको फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी एंड इस शेप को पकड़ के, इस बेजियर पॉइंट को पकड़ के मैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ टालूंगी, तो इस तरह का अलग सा शेप निकला, ठीक है। तो इस तरह से शेप हम लोग चेंज करते रहते हैं, ठीक है, इस तरह का शेप निकला। और भी सारे शेप्स निकलेंगे अगर आप अपने हिसाब से अगर शेप को रखना चाहो तो, और भी पॉइंट अगर बढ़ा दो। मैंने 22 किया, इस तरह का शेप आया मेरा। फिर से मैं ले रही हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मैं इस कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से मैं बना रही हूँ, एक अलग सा शेप निकल गया मेरा। दूसरा लेना है, दूसरा क्लिक करो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और अंदर की तरफ, फिर एज इट इज वैसा कि वैसा ही हो गया। अगर आपको दो से तीन कॉर्नर चाहिए, सबका सब नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर मैंने पकड़ा, देखो नीचे का सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, यहाँ पे बिजर पॉइंट मेरा आ गया और यहाँ पे पकड़ के मैं ड्रैग करूंगी तो ये मेरा शेप इस तरह से कुछ बनेगा, इस तरह का शेप बनेगा। अगर चाहो आप नीचे की तरफ भी करना तो यहाँ पकड़ो एंड इस तरह का शेप बनेगा आपका, सी। तो इस तरह का शेप हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। और भी बहुत सारे टूल सिलेक्शन मतलब बनते हैं, और भी शेप्स बनते हैं स्टार्ट टूल से, तो आप चाहो बना सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप लोग बहुत कुछ काम कर सकते हो। अब मैं एक तो बॉक्स क्रिएट करके बताती हूँ किस तरह से बॉक्स बनते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, शिफ्ट प्रेस करके मैं ड्रैग की, ठीक है, इस तरह से एंड मूव, मैंने सिलेक्शन टूल पे मैं बैक कर गई एंड देन अब क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी करेंगे, क्या करके ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करेंगे एंड इसको नीचे तरफ करेंगे। फोटोशॉप में कॉपी करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल जे, इलस्ट्रेटर में कॉपी करने के लिए ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक पकड़ के ड्रैग करना है, ऑल्ट माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के ड्रैग करना है, ठीक है। एंड देन एक इधर मैंने बनाया बॉक्स, ठीक है, ये मैंने तीन रेक्टेंगल शेप लिया। इसको मैं कलर चेंज करूंगी, कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इस कलर को ग्रीन में रखूंगी एंड अगर चाहो आप बॉर्डर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बॉर्डर भी दे देती हूँ फिलहाल। एंड मैं अब सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और ऊपर के पाथ को मैं सिलेक्ट करूंगी एंड देन कॉर्नर पकड़ के इसको मैं नीचे की तरफ टानूंगी इस तरह से, ठीक है। अब मैं इधर का कॉर्नर पकड़ के इधर टानूंगी, अंदर की तरफ टानूंगी इस तरह के, ठीक है। इस तरह का मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। अगर इस बॉक्स को ऊपर की तरफ से अगर पकड़ोगे एंड कॉर्नर को पकड़ के, एक कॉर्नर को पकड़ के नीचे की तरफ टानोगे तो इसका शेप इस तरह से जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसी ऊपर का पाथ को पकड़ा था, नीचे का पाथ नहीं पर, नीचे का पाथ आप नहीं पकड़ोगे तो एज इट इज वो ऐसे ही फिक्स्ड रहेगा, ऊपर का पाथ को पकड़ोगे तो आपका ऊपर का पाथ घूमेगा, देखो सी, चाहे जितना भी घुमा लो नीचे का पाथ नहीं हिलेगा आपका, क्योंकि वो फिक्स्ड है, क्योंकि सिलेक्शन आपका सिर्फ ऊपर का पाथ का किया गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। फिलहाल मैं इतना मैं रखती हूँ।
और इसी बॉक्स को मैं कॉपी करूंगी ऑल्ट प्रेस करके, पूरा सिलेक्शन करके एंड ऊपर का पार्ट को पकड़ के मैं नीचे की तरफ, पर इतना रखिएगा कि आपका पूरा का पूरा कॉर्नर सिलेक्ट रहना चाहिए तभी आपका काम करेगा। एंड कॉर्नर पकड़ के ऑल्ट प्रेस करके मैं नीचे की तरफ टानूंगी। इस तरह से, ठीक है। और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगी फिलहाल, रेड कर दूंगी, ठीक है। और रेड करने के बाद इसको मैं ले आके रखूंगी। देखा ना सिलेक्शन, अगर कोई भी पार्ट सिलेक्शन नहीं रहा तो वो दिक्कत करेगा। थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी इसको इस टूल से, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइडली। एंड अब मैं पूरा का पूरा सिलेक्शन कर रही हूँ, पकड़ के मैं यहाँ पे रखूंगी। इस तरह से हम लोग बॉक्स क्रिएट करते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप चाहो इस तरह से बॉक्सेस आप बना सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप आइकन्स, लोगो और शेप और भी बहुत कुछ है जैसे कि रोबोट, फ्लावर या इस तरह के क्रिएट आप कर सकते हो इसलिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काफी हद तक समझ में आ गया होगा। साथ में मैंने शेप टूल के बारे में भी मैंने कवर कर दिया, मतलब बता दिया कि शेप टूल क्या काम करता है, ठीक है। शेप टूल तो वैसे ही रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, स्टार टूल, फ्लेयर टूल मैं बाद में बताऊंगी। फ्लेयर टूल का काम दूसरा है इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ। अभी मैं शेप टूल पे सिर्फ काम बताई हूँ एंड सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में मैं बताई हूँ, ठीक है। अब फाइल को सेव कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था पहले ही कि फाइल को सेव करना कैसे बताया, कैसे किया जाता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, ठीक है। फाइल में जाएंगे एंड सेव एज में क्लिक करेंगे। अगर आपको रॉ फाइल चाहिए इलस्ट्रेटर का तो आप इस पे ही आप सेव करोगे ताकि आप बाद में जाके एडिट कर सको। AI क्या है, एक्सटेंशन। इलस्ट्रेटर का एक्सटेंशन क्या है, AI, ठीक है। फोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या था, PSD, ठीक है। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को आप इस फाइल में सेव कर सकते हो। आप अगर चाहो PDF फाइल में सेव करना, PDF फाइल में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्लिक करना है और नाम दे देना है, जो भी नाम तो आप दे सकते हो सिलेक्शन टूल करके। एंड इसको आप जहां मन आप वहां पे जाकर सेव कर सकते हो, ठीक है। एंड ये वाला बॉक्स ओपन होगा, बस ओके कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको इस फाइल को जेपिक में चाहिए या PNG में चाहिए तो कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे एंड एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मेरा आया एंड यहाँ पे देखो जेपिक का ऑप्शन है, JPEG का एंड PNG का। अगर आप चाहो जेपिक में करना है जेपिक में कर सकते हो, PNG में करना है PNG में भी कर सकते हो। मैं फिलहाल जेपिक में कर रही हूँ, जेपिक में दिखा रही हूँ, जो भी नाम देना आप दे सकते हो। एंड देन एक्सपोर्ट करेंगे, ये बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे क्या करना है, आपका काम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिजोल्यूशन सेट कर सकते हो। मेरा एक छोटा सा बॉक्स है इसलिए मैं 150 ही रखूंगी, अगर बहुत ज्यादा काम किया हो तो आपको हाई रखना है 300 PPI, ठीक है। फिलहाल मैं अभी फिलहाल मीडियम में रख रही हूँ 150, ठीक है। एंड कलर मोड मैं RGB कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रिंट नहीं करना है, तो प्लीज आप ये चीज समझ के इसको सेटअप कीजिएगा, ठीक है। एंड देन ओके, तो फाइल मेरा एक फाइल सेव हो गया। कहाँ पे सेव हुआ ये देखो, इसको क्लिक करेंगे, ये मेरा फाइल सेव हो गया, ठीक है। छोटा सा क्योंकि मैंने जैसे बोला 150 पे मैंने किया है, इस 150 में करोगे तो आपका ये साइज पे आपका पिक्चर निकलेगा। अगर वही फाइल को अगर आप 300 में करोगे एक्सपोर्ट एस जेपेक एंड एक्सपोर्ट में फिगरी यस की क्योंकि मैं रिप्लेस करी फिलहाल। एंड यहाँ पे आके मैं इसको 300 पे करूं हाई रेजोल्यूशन पे एंड देन ओके करूं तो आपका ये वाला पेज इस तरह खुलेगा, ठीक है। तो पेज के अकॉर्डिंग ये ओपन हुआ है मेरा। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। इसके अलावा और मैं क्या बताने वाली थी कि इमेज कैसे लेके आना है अपने ही इस फाइल में। अगर कोई इमेज आपको लाकर ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, वैसे कि इमेज हम लोग लाके कोई काम नहीं करते हैं इलस्ट्रेटर में क्योंकि उसका इमेज का क्वालिटी अलग हो जाता है। इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेट करने का काम आता है, ट्रेसिंग करने का काम आता है। अगर कोई इमेज ला रहे हो आप उसको ट्रेस करके उसको डिलीट कर लो एंड देन अपने डॉक्यूमेंट में लाके उसको ड्रॉप कर दो,
ठीक है। तो इमेज लाना कैसे है, एक तो ऑप्शन है कंट्रोल ओ, जैसे कि फोटोशॉप में था, कंट्रोल ओ से भी आप इसको इमेज ला सकते हो, जो भी इमेज चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन ओपन कर लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, फाइल में जाएंगे एंड ओपन पे क्लिक करेंगे तो भी मेरा ये बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ से आपको जो लेना है आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये लिया एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर को सेव लेते हैं, क्लियर हुआ होगा उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो। अच्छा एक और बात, आपने सोचा होगा मैं इतना देर से सब कुछ इतना सारा काम की बट मैंने कोई लेयर नहीं लिया। जी हाँ, इलस्ट्रेटर में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स ये भी है कि हमें यहाँ पे लेयर लेकर काम नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे इलस्ट्रेटर पे लेयर ऑटोमेटिक लेता रहेगा। सी ये देखो एक लेयर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ये देखो इतना सारा लेयर आपको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये लेयर पे मैंने काम किया हुआ है तो इतना सारा लेयर आपको दिख रहा है। ये इलस्ट्रेटर में ये बहुत, मतलब जिसको लेयर लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था फोटोशॉप में, उसके लिए ये रिलैक्स हो गया, माइंड रिलैक्स हो गया कि यहाँ पे कोई लेयर नहीं लेना है। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हो जिसको लेयर में बहुत प्रॉब्लम करता है एंड करता था, मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन वो लोग क्या करता लेयर भूल जाता था एंड कलर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में डाल देता था तो उसको वो लोग मूव नहीं कर पाते थे। तो इलस्ट्रेटर में इसका मतलब रिलैक्स हो जाओ, फ्री टेंशन फ्री हो जाओ कि यहाँ पे लेयर का कोई फंडा नहीं है, लेयर ऑटोमेटिक आपका लेता रहेगा। लेयर में आपको जो लेयर नहीं चाहिए उसको लॉक कर दो, जो लेयर नहीं रखना है उसको ऑफ कर दो, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो, ठीक है। इतना दूर तक तो आप समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेटर का सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फाइल कैसे सेव किया जाता है, इवन सेव टूल के बारे में भी मैंने बता दिया कि कुछ मतलब रेक्टेंगल सर्कल सेव स्टार सेव का काम कैसे होता है, कैसे कलर फिल होते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। बाकी और भी टूल्स है, मैं एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। तो आज मैं अपना क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो, आज का क्लास भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।